हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपाली और DIY एवरीथिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ रागी के आटे की हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी, जो बहुत ही हेल्दी होता है और इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये हलवा ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है रागी, जो हमने हाफ कप लिया है। उसके साथ हमने लिया है 1 चम्मच गुड़ यानी कि जैगरी, साथ में हमने लिया है 2 चम्मच होममेड घी एंड आधा ग्लास पानी। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक बाउल में आधा ग्लास पानी को गर्म करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच गुड़ डालेंगे और उसको मेल्ट होने देंगे। जब तक गुड़ पानी में पूरा मेल्ट होता है, तब तक हम दूसरे बर्नर में रागी के आटे को भून लेंगे। अब एक पैन में लो मीडियम गैस पे 2 चम्मच घी को गर्म करेंगे। क्योंकि हम छोटे बच्चे के लिए हलवा बना रहे हैं, इसलिए हमें होममेड घी यूज़ करना है। पैन में 2 चम्मच घी डालिए। अगर आप 1 कप आटे का हलवा बना रहे हैं तो घी की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। मैं यहाँ 2 चम्मच आटे का हलवा बना रही हूँ, इसलिए मैंने घी भी 2 चम्मच लिया है। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें 2 चम्मच रागी का आटा डालिए। अब इसको हमें 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। अगर आपका बेबी 8 मंथ के ऊपर और 1 साल के नीचे है तो आप ड्राई फ्रूट का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। रागी एक फॉर्म ऑफ मिलेट है, उसे नचनी भी बोला जाता है। रागी कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। जो बच्चे जनरली दूध नहीं पीते हैं, उसकी वजह से उसको कैल्शियम की कमी हो सकती है, उसे आप रागी बेस्ड रेसिपी बनाकर दे सकते हैं। क्योंकि रागी में बहुत अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम मिल जाता है, तो बॉडी की जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो रागी पूरा कर देता है। प्लस रागी में नेचुरल आयरन होता है, इसकी वजह से जिन बच्चों में एनीमिया की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी रागी का हलवा बहुत ही अच्छा और हेल्दी है। अगर आपको रागी की और भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब गुड़ पानी में अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है तो उसका गैस बंद कर देते हैं। और यहाँ पे रागी अच्छी तरह से भून गई है, उसका कलर भी चेंज हो गया है। आप चाहो तो इस स्टेज पे आप दूध भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पानी के साथ बना रही हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। रागी को मैंने यहाँ 5 से 8 मिनट के लिए भून लिया है। अब ये भून कर रेडी हो गया है। अब इस स्टेज पे हम उसमें जेगरी वाटर डालेंगे। आपको धीरे से चलाते हुए पानी डालना है। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। रागी पानी को जल्दी से सोख कर लेता है, इसलिए आपको जल्दी से चलाना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने बच्चे की एज के मुताबिक रख सकते हैं। अब हमारा हलवा रेडी हो गया है। अब गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। जब ठंडा हो जाए तब अपने बेबी को खिला दीजिए। आप ऊपर से ड्राई फ्रूट और हनी भी डाल सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।